खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं सीबीएसई बारहवीं बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है। सीबीएसई की तरफ से ट्वेल्थ बोर्ड के नतीजों का ऐलान सीबीएसई की तरफ से कर दिया गया है। cbserizults.nic.in पर जाकर आप नतीजा रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। बारहवीं बोर्ड का रिजल्ट सीबीएसई की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि देर लगेगी, 10 मई तक आएगा, और सुनते हैं जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीएसई की तरफ से की जा रही है। आप लोग अपनी तैयारी हो जाए तो बोल दीजिएगा। मैं शुरू कर लूं? ओके, तो हम तब तक अपनी टीम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे कंट्रोलर एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज, जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके सारे सिस्टम्स को ओवरऑल करा, रिवैम्प किया, बहुत मेहनत की है, और पहली बार इन मोर देन 25 years वी चेंज द एग्जामिनेशन बायलॉज टू मेक इट स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रॉन्गर एंड मोर रोबस्ट, इंक्लूडिंग द इवेल्युएशन प्रोसेस। इवेल्युएशन प्रोसेस में भी हम लोग ने काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। द सेकेंड पर्सन यू मस्ट नो इज डायरेक्टर IT, जो 15 दिन से तो घर नहीं गए, कल पूरी रात भी मतलब इसी में लगे रहे, बिकॉज हम लोग को बहुत चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, सेवरल लेयर्स ऑफ चेकिंग होती है हमारे यहाँ, सिस्टम्स हैं बहुत सारे एंड वेरी रोबस्ट सिस्टम्स। सो 15 दिन से प्रोसेसिंग में लगे हुए थे एंड रिकॉर्ड टाइम में जो हुआ है वो उनकी वजह से इन लार्ज मेजर हुआ है। ऑफकोर्स हमारी टीमें तो लगी हुई थी इवेल्युएशन में, बट ये आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि 28 दिन के अंदर, लास्ट एग्जाम हमारा 4 अप्रैल था, 4th April, और 2nd May को हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। सो शैल आई स्टार्ट और वुड यू वांट मी टू वेट? वी कैन स्टार्ट। एक मिनट, स्पीकर वाला कौन सा? ये वाला, ये मैम स्पीकर माइक। ओ ओके ओके, वो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, दिस इज क्लियर। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हम लोग क्लास 12 का रिजल्ट हम लोगों ने आज डिक्लेयर किया है, करीब 5 मिनट पहले ही किया है, और ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। 4 अप्रैल को हमारा लास्ट एग्ज़ाम था क्लास 12 का, और 2 मई को हम रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग ने पहले आप लोग को बताया हुआ है कि एक हम लोग के पास हाईकोर्ट ऑर्डर भी था, जिसकी वजह से हम लोग ने इस बार एग्ज़ाम्स भी प्रीपोन किए हैं, और अब हर साल 15 फरवरी से ही एग्ज़ाम शुरू होंगे, क्योंकि डायरेक्शन ये है कि हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए ताकि बच्चों को एडमिशन स्मूथली मिले दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये आज रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। नाउ लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स। जो एग्ज़ाम सेंटर्स थे हमारे इस बार, देवर 4627, विच मीन्स लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 500 मोर, लास्ट ईयर 4145 थे। तो लुकिंग टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एग्जाम सेंटर्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। जो ओवरऑल पास परसेंटेज है क्लास 12 की, वो इस बार 83.4 है, जो लास्ट टाइम 83.01 थी, तो इस बार इंक्रीज हुआ है बाय 0.39%। 83.4 परसेंटेज पास, 83.01। फिर हमारे रीजन्स हैं, एज यू आर अवेयर, हमारे 10 रीजन्स इस बार एग्जामिनेशन करा रहे थे, नेक्स्ट ईयर से 16 रीजन्स हो जाएंगे, जो हमने अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। ये जो 10 रीजन है इनमें भी हम इंटर पैरिटी देखते हैं कि विच रीजन हैज परफॉर्म्ड वेल। सो द टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग रीजन इज ट्रिवेंड्रम, जिसमें 98.2% पास है, 98.2 ट्रिवेंड्रम रीजन। उसके बाद आता है चेन्नई रीजन। ट्रिवेंड्रम रीजन में आई थिंक देयर इज ओनली ट्रिवेंड्रम स्टेट, एम आई करेक्ट? केरला स्टेट। एंड चेन्नई रीजन में वी हैव तमिलनाडु,
We have Maharashtra, Andhra and Karnataka. And Telangana. Telangana. Ye region second hai with 92.93%. Andaman also. Isme Andaman and Nicobar bhi aata hai. 92.93. And the third region is Delhi. Delhi region mein 91.87 hai. 87th percentage pass. जो फॉरेन स्कूल्स हैं हम 91.87 पास परसेंटेज ये आपको फिगर्स भी हम दे देंगे रमा आपको यू विल व्हाट्सएप इट टू देम देन जो फॉरेन स्कूल्स हैं हमारे जो फॉरेन स्कूल्स हैं उसमें पास परसेंटेज इस बार बढ़ गया है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम 94.94 था इस बार 95.43 है 94.94 इन फॉरेन स्कूल्स फॉरेन स्कूल्स की बात कर रहे हैं हमारे करीब 250 स्कूल्स अब्रॉड हैं जेंडर अब जेंडर पे अगर आप आए तो एज यूजुअल आई एम वेरी हैप्पी टू से Girls have done better than boys by a whopping 9%. Okay. So this is indeed 9%. So girls ka 2019 mein 88.70 is the pass percentage and boys ka 79.4. Hamare करीब 25 या 26 जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स थे उनमें 83.3% इज द पास बॉयज का 79.4 गर्ल्स 79.4 बॉयज एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स 88.7 गर्ल्स Transgender 83.3. So we also do an institution-wise comparison, as you know. Institution-wise, the best performance is Kendriya Vidyalaya, 98.54. Second best, 98.54. The second best is JNV, 96.62. JNV. Jawaharlal Nehru Vidyalaya. Then is CTSA. CTSA schools, that is our Tibetan schools. हमारे पास 14 schools ऐसे हैं. इनका 96% pass है. They are our smallest group of schools. Fourth. Is government aided schools 88.49 fifth is government schools 87.17 and sixth category is independent or private schools 82.59 government school government 87.17 jori sir school wise kab dekh sakenge schools सेम इंडिविजुअल हो पा रहा है स्कूल का लिंक दिया है दिल्ली का मैंने आपको दिल्ली रीजन गवर्नमेंट का हमने अलग नहीं किया रीजन का मैं बता सकती हूँ 91.87% और लास्ट ईयर दिल्ली रीजन का 89% था तो इस बार नहीं इंक्रीज हुआ है 91.87 फिर जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है उनका 90.25% पास परसेंटेज 90.25 नाउ आई विल टेल यू सम ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स जो हमारे इस बार रहे हैं इस बार टॉप परफॉर्मिंग में टॉप पोजीशन नंबर वन हम लोग पोजीशन वैसे डिक्लेयर नहीं करते हैं बट मार्क्स वाइज अगर आप देखें क्योंकि हमारी कोई स्ट्रीम नहीं होती है CBSE does not encourage streams. एक ही compulsory subject है वो है language. बाकी बच्चा कुछ भी चार ले सकता है तो जो top जो five subjects में मिला करके जो top performer होता है
वो दो बच्चे एक साथ हैं एंड अगेन आई एम हैप्पी टू से दोनों लड़कियां हैं. सो द टॉप टू आर हंसिका शुक्ला. हंसिका एच ए एन एस आई के ए हंसिका शुक्ला 499 मार्क्स एंड करिश्मा अरोड़ा. हंसिका शुक्ला इज फ्रॉम डीपीएस मेरठ गाजियाबाद. मेरठ रोड गाजियाबाद. डीपीएस मेरठ रोड गाजियाबाद. एंड करिश्मा अरोड़ा इज फ्रॉम एसडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश. करिश्मा अरोड़ा दोनों के 499 पे टाई है. मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश. एसडी पब्लिक स्कूल. मुजफ्फरनगर यूपी. हंसिका शुक्ला डीपीएस गाजियाबाद. करिश्मा एसडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर 499. मानस ट्राई जरूर कर लेता है ना, एक ट्राई जरूर मार लेता है. हाँ अच्छा, जो नेक्स्ट पोजीशन जो सेकंड 498 पे, अगेन वेरी हैप्पी टू से देयर आर थ्री गर्ल्स टुगेदर एट सेकंड पोजीशन 498 मार्क्स पे. गौरांगी चावला जी ए यू आर ए एन जी आई गौरांगी चावला. ये निर्मल आश्रम दीपमाला पब्लिक स्कूल ऋषिकेश उत्तराखंड. निर्मल आश्रम दीपमाला पब्लिक स्कूल ऋषिकेश. इन्हीं के साथ टाई में है. इनका सिर्फ सिंगल नेम है ऐश्वर्या. एंड ये आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस ऐश्वर्या इज फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रायबरेली 498. उसी तरह जो तीसरी जो टाई में है उनका भी सिंगल नाम है भव्या. भव्या है बीआरएसके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल. बीआरएसके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जींद हरियाणा. अगेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैज हैपेंड. द थर्ड 497 मार्क्स पे उस पे कितने हुए 18 बच्चे. 18 students, out of which, let me tell you how many girls are there because I am so excited about this. So, isme Ayushi, Mehak, 2, ye, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 girls out of these 18. 11? Girls, jo third position, jo third टॉप परफॉर्मर है. 18 बच्चे उसमें से 11 लड़कियां हैं. उनके नाम वगैरह हम आपको भेज देते हैं. इसमें हाँ दिल्ली से एक बच्चा है. वसंत वैली स्कूल वसंत कुंड से वीरज जिंदल. और एक और हाँ एक और है दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी फेज 3 महक तलवार. बाकी जो है आपके लखनऊ से हैं, सोलन से हैं, मेरठ, हिसार, गाजियाबाद. वीरज जिंदल वसंत वैली. महक तलवार दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी वीरज जिंदल ये दिल्ली के हैं.
बाकी बच्चे बाहर के हैं, उनमें से एक बच्चा अनुराग इज वेरी हैप्पी टू नोट इज फ्रॉम द स्कूल वेयर ही वाज प्रिंसिपल फॉर 3 years, ओक ग्रोव स्कूल इन देहरादून. सो ही दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट स्कूल, रेलवेज का स्कूल है ये. नोएडा एपीजे स्कूल नोएडा से इबादत सिंह बख्शी. फिर विश्व भारती पब्लिक स्कूल नोएडा गरिमा शर्मा. इबादत बख्शी, इबादत सिंह बख्शी. सेकेंड वन इज गरिमा शर्मा विश्व भारती पब्लिक स्कूल नोएडा. गरिमा शर्मा गाजियाबाद से है. गाजियाबाद पहले लिखवा दूं. गाजियाबाद इज आयशना जैन. आयशना जैन, आयशना, ए आई एस एच एन ए, आयशना जैन, एस ए जे स्कूल गाजियाबाद. देन देयर इज आयशना जैन, ए आई एस एच एन ए, आयशना जैन, एस ए जे स्कूल गाजियाबाद. फिर है अर्पित महेश्वरी, डीपीएस गाजियाबाद. फिर है प्रज्ञा खड़कवाल, एस ए जे स्कूल गाजियाबाद. प्रज्ञा, प्रज्ञा खड़कवाल. ये है एस ए जे स्कूल गाजियाबाद. सेठ अनंत राम जयपुरिया, जयपुरिया, सेठ अनंत राम जयपुरिया. Now I want to give you the list of toppers in children with special needs. इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग कैंडिडेट 489 मार्क्स पे, सिंगल कैंडिडेट लावण्या बालकृष्णन, शी इज फ्रॉम द हेरिटेज स्कूल गुड़गांव. दिस इज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, लावण्या बालकृष्णन. She is from Heritage School, Gurgaon. फिर second perform, हाँ जी, 489. Then second and third position पे 485 and 484 marks पे तीन तीन बच्चे हैं in CWSS.